केंद्र की मोदी सरकार ने गरीबों को बड़ी सौगात दे दी है। कोरोना के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि दिसंबर 2023 तक गरीबों को मुफ्त में अनाज मिलता रहेगा। सरकार के इस फैसले से करीब 80 करोड़ लोगों को सीधा फायदा होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की जगह फूड सिक्योरिटी कानून के तहत मुफ्त में गरीब लोगों को अनाज दिया जाएगा। कानून में चावल 3 रुपए और गेहूं 2 रुपए प्रति किलो बेचने का प्रावधान है, लेकिन सरकार कोई पैसा नहीं लेगी, इस पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च आएगा। कोविड काल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संवेदनशील व्यक्तित्व का परिचय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 28 महीने तक 80 करोड़ भारतवासियों को, गरीबों को 5 किलो प्रति महीना। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अधिक अनाज देकर एक प्रकार से इस पूरे समय में कोई भी व्यक्ति को भूखा ना सोना पड़े, कोई व्यक्ति को अनाज की कमी ना महसूस हो, इसको सुनिश्चित किया। जो गरीबों को अन्न सुरक्षा दी जाती है, खाद्य सुरक्षा दी जाती है, ये अब मुफ्त में, पूरी तरीके से मुफ्त में लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। देश भर में 2 लाख करोड़ रुपए अब केंद्र सरकार पूरा खर्चा अपने ऊपर लेगी खाद्य सुरक्षा नियम के अनुसार। संसद का शीतकालीन सत्र तय समय से 6 दिन पहले ही खत्म कर दिया गया। संसद का यह सत्र 7 दिसंबर से शुरू हुआ था और कार्यवाही 29 दिसंबर तक चलनी थी, लेकिन तवांग में चीनी सेना के साथ झड़प और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर मचे घमासान के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि क्रिसमस की वजह से भी कई सदस्यों ने समय से पहले सत्र स्थगित करने की अपील की थी। जापान का आरोप है कि उसकी समुद्री सीमा के नजदीक चीन के 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। चीन पिछले कई दिनों से ताइवान के साथ जापान को भी उकसा रहा है, लेकिन इस बार चीन ने 1-2 नहीं बल्कि 130 फाइटर जेट जापान के करीब भेज दिए। जापान का दावा है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में चीन की नौसेना मिलिट्री ड्रिल करने में जुटी है और इसी के तहत उसके लड़ाकू विमान लगातार उसकी समुद्री सीमा के पास मंडरा रहे हैं। लेकिन पिछले 4 दिनों में चीन ने इतने फाइटर जेट भेज दिए कि जापान के होश उड़ गए। कहा गया कि इनमें J-15 भी शामिल था, जिसे चीन का सबसे घातक लड़ाकू विमान माना जाता है। असल में जापान सागर में मौजूद जापान के कुछ द्वीपों को चीन अपना बताता है, इसी वजह से दोनों देशों के बीच विवाद है। और जापान ने जब से चीन को अपना दुश्मन नंबर 1 बताकर अपने सैन्य खर्च को दुगना करने का ऐलान किया है, तब से चीन उस पर और भड़का हुआ है। वो लगातार जापान को डराने की कोशिश में जुटा है। महाराष्ट्र के ठाणे में एक महिला के घर में लाखों रुपए की चोरी हो गई और जिसका सीसीटीवी वीडियो भी अब सामने आया, जिसमें चोर को पकड़ने के लिए बच्चे भी उसके पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में एक महिला को अपना घर सोना छोड़ना महंगा पड़ गया, क्योंकि जैसे ही वो घर से निकली चोर उसके घर में घुस गए और लाखों का सामान चोरी कर फरार हो गए। इस पूरी घटना का वीडियो वहां लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसमें 3 चोर भागते नजर आए और उनके पीछे एक बच्ची भागती हुई दिखी। बताया गया कि महिला अपने बच्चों को ट्यूशन से लाने गई थी। जैसे ही वो वापस घर पर लौटी तो उसने देखा कि दरवाजे पर लगा ताला टूटा हुआ है और घर का दरवाजा अंदर से बंद था। जब उसने अपना दरवाजा खटखटाया तो घर में मौजूद 3 चोर बाहर आए और भाग खड़े हुए। इसके बाद बच्चों ने कुछ देर उनका पीछा भी किया, लेकिन चोर भागने में कामयाब हो गए। महिला ने अपने घर से करीब 2 लाख रुपए के गहने और करीब 50,000 कैश चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है और सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।